हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार इस तरीके से बना के खाएं तो आप नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका प्रोसेस। तो काटने से पहले नाइफ में और अपने हैंड में ऑयल लगा लेंगे। सबसे पहले इसका हम ऊपर का टिप पॉइंट कट करेंगे। बहुत ही हार्ड रहता है, बहुत केयरफुल कट करेंगे। ये स्लाइसेस में हम हल्का सा कट करेंगे, इससे थोड़ा इजी रहता है कट करना। हमने इन्हें स्लाइसेस में कट कर लिया है, अब इजीली से हम इन्हें आराम से काट कर सकते हैं। हमें कुछ इस प्रकार से कट करना है। इसका जो बाहर का आउटर सरफेस है, हल्का सा इसमें से देखिए सर डॉट सा दिख रहा होगा, ऐसा रखना है। ज़्यादा मोटा हमें नहीं रखना है और अंदर साइड में भी हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बिल्कुल पतला सा लेयर रखना है जिससे बाइंडिंग बंधी रहे, ऐसा हमें कट करना है। और इसे कट करके हम डायरेक्ट पानी में रखेंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा हमारा। सारा कटहल कट करके हमने कुकर में रख लिया है। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और इसे दो बिसल हम लगाएंगे। इसे ज़्यादा हमें गलाना नहीं है, बस दो बिसल में हमारा काम हो जाएगा। हमारी बिसल आ गई है, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। स्टीम निकलने के बाद में इसे ओपन करेंगे। जब तक स्टीम निकल रही तक अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 4 टोमेटो लिया है, 8 से 9 हमारा प्याज है, हमारा 1 कली हमारी लहसुन की है, पूरा 1 है, कम से कम 20 से 25 कलियाँ हैं ये। थोड़ा सा हमने अदरक लिया है और थोड़ा सा हमने चिली मिर्च लिया है। आज 5 से 6% लोगों के लिए खाना बनेगा। टोमेटो ऑनियन को रफली चॉप करके इनका हम पेस्ट बनाएंगे। चिली को हम उसमें मिक्स नहीं करेंगे। टोमेटो और ऑनियन का हमने पेस्ट बना लिया है। हमारा स्टीम निकल गया है, हमारा कटहल भी कुक हो गया है। कटहल की मैरिनेशन के लिए एक हमने बड़ा सा पात्र लिया है, उसमें अपना सारा बॉयल कटहल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे, हम कर्ड ऐड करेंगे, इसमें पानी, थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे, थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिकन मसाला ऐड करेंगे। ये बिल्कुल वेज है, नॉन वेज नहीं है। चिल्ली भी अपनी ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए रख देंगे। एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है हमने। तेल हमारा गर्म हो गया है और हमने कटहल जो मैरिनेशन के रखा है वो भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो गया है। कटहल भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे, इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। इसी तरह एक एक करके बाकी भी हम निकाल लेंगे सभी क्लोज करके। कटहल को हमने फ्राई करके रख लिया है, अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे। एक बर्तन लेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच करीब मस्टर्ड ऑयल लगेगा इसमें। प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और इसको हम अच्छे से हमें भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारा पक गया है, टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर लेंगे, अदरक भी अपनी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा साल्ट ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और अपना चिकन मसाला जो हमने बचा के रखा है वो ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी अच्छे से पक गई है, इसमें अपनी चिली ऐड कर देंगे और अपना कटहल हम जो मैरिनेट करके रखा है उसको ऐड करेंगे। इसको ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम पानी ऐड करेंगे, ये पकौड़े का धुला हुआ पानी था हमारा,
इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे और विदाउट बिसल इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट लगभग हो गया है और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। आप भी कृपया इसे बनाएं, खाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे आप तक की नई रेसिपी पहुंचती रहे। थैंक यू।